बढ़ते आगे और अब आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं। कीर्ति है इंदौर मध्य प्रदेश से। गुड मॉर्निंग कीर्ति, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल आईआईटी सिटी पर है। ये मैंने 900 परचेज किए थे और मुझे 6 मंथ के लिए इसका व्यू चाहिए था सर। मैंने क्या करना चाहिए इसको? ठीक है, कितने रुपए पे लिया था आपने? जी सर, 900 पर। अच्छा, कितने स्टॉक हैं आपके पास? 10 शेयर हैं सर। ठीक है, 10 शेयर, 900 के लेवल पे IRCTC। चलिए चलते हैं। अक्षय बताएं, IRCTC पे आपका कोई खास नजरिया? गुड मॉर्निंग। तो IRCTC का अगर मैं टेक्निकल प्राइस चार्ट स्टडी करूं तो काफी टाइम से एक बड़े से रेंज में ट्रेड हो रहा है। जो लोअर एंड ऑफ द रेंज बन रहा है उसका है 550 और ऊपर एंड ऑफ द रेंज है 750। तो मैंने सुना कि आपकी खरीदारी काफी ऊपर के स्तर पे जो है करीबन 900, तो 900 के लेवल जरूर मिल सकते हैं आपको, पर जो टाइम की अवधि रहेगी ये 900 पाने में वो करीबन 6 महीने के ऊपर चली जाएगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप रुक सकते हैं उसमें तो आप 6 मंथ्स प्लस वेटिंग पीरियड रहेगा आपका प्राइस वापस आने के लिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज और लंबा चल सकता है इसमें। अगर रिस्क मैनेजमेंट के दौर पे आप कोई स्टॉप लॉस रख के इसमें चलना चाहते हैं तो इस 500 के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। 900 मिल सकते हैं पर आपको टाइम देना पड़ेगा ट्रेड में, शायद 6 महीने के ऊपर। IRCTC काफी लंबे समय से दायरे में है और ये व्यू आपके लिए। गुजरात से निवेश हमारे साथ है। निवेश नमस्कार, बताइए क्या जानना है आपको? मैंने एक्सन कंट्रक्शन के शेयर लिए है अरे वाह, 32 के भाव के लिए। हेलो। 32 के भाव पर? हेलो, हाँ 32 के भाव पे 100 शेयर लिए और दूसरा 458 के भाव से 60 शेयर लिए एक्सन कंट्रक्शन है। और दूसरा सवाल है मेरा, मेरे को एफोर्डेबल रोबोटिक्स में निवेश करना है। एफोर्डेबल रोबोटिक्स करके शेयर है, एफोर्डेबल उसमें निवेश करना रोबोटिक्स, है। फंडामेंटल कैसा है कंपनी का वो ठीक है, जानना है दो और किस दो भाव से लेने का। बिल्कुल जानते हेलो। हैं। कुछ दिन पहले हम एफोर्डेबल रोबोटिक्स के मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे। बढ़िया कंपनी है, अच्छे से एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपर्ट से व्यू जानेंगे इस पर। लेकिन एक्शन कंस्ट्रक्शंस, पहले तो आपको बहुत बधाई। मतलब आपके ना स्टॉक पिकिंग के साथ साथ धैर्य की भी दाद देनी होगी कि आपने इसको होल्ड किया हुआ है, क्योंकि एक्शन कंस्ट्रक्शन, सांगवी मूवर्स, जो क्रेन सर्विस वाली कंपनियां हैं, एक्सकवेशन वाले जो मशीन्स बनाती हैं, वहां पर हमने धमाकेदार तेजी देखी और दोनों शेयर ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। इस पर अक्षय आप ही व्यू दीजिए। एक्शन कंस्ट्रक्शंस में आपको कहां के दायरे खुले हुए दिख रहे हैं? 750 रुपए के आसपास का भाव तो हो गया इसका। पहले बात तो एक्शन कंस्ट्रक्शन में आपने जो टाइम किया है बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया आपने इसको टाइम किया है, क्योंकि ये वन वे चला है स्टॉक। 200 से 740 का जो स्तर चल रहा है, मेरा मानना है कि आप इसको अभी भी होल्ड कीजिए। हालांकि इसका जो मोमेंटम है स्टॉक में अभी ये महीने में उसने काफी बहुत जोर शोर से पकड़ा हुआ है। करीबन 1000 के आसपास आपको ये स्टॉक जल्दी ही 1.5 से 2 महीने के अंदर मिल सकते हैं, वहां पे आप एक बार मुनाफा वसूली करने का सोच सकते हैं। तो करंट स्तर पे होल्ड कीजिए, 1000 के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, वहां पे रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, 1000 रुपये, मतलब 32 रुपये का इन्होंने लिया है प्रशांत, और 1000 रुपये के टारगेट्स अक्षय की तरफ से इनको मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर आप इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि ये प्री इलेक्शन ईयर है, सरकार के बहुत सारे अटके हुए काम भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, तो इस बिल्कुल आप इसे हिलिए मत, स्टॉप लॉस अपने ऊपर करते जाइए, ये सलाह है। लेकिन